स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता पर अणु परमाणुओं से मिलकर
अंतर बना हुआ है, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अंतर कि जो परमाणु है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्मतम कण है। तो जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उस तत्व का सूक्ष्मतम कण है परमाणु। तो परमाणु क्या है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्मतम कण है परमाणु। अब ये जो अणु है स्टूडेंट यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है, परमाणु, और अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अंतर, तो ये जो परमाणु है ये अविभाज्य होता है। अविभाज्य का मतलब कि परमाणु इतना सूक्ष्म कण होता है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। और हम देखते हैं अणु के बारे में कि अणु को विभाजित किया जा सकता है, क्योंकि अणु का निर्माण किससे होता है, अणु का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम अणु को विभाजित करके परमाणु निकाल सकते हैं, पर परमाणुओं के विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि परमाणु वैसे भी बहुत सूक्ष्म कण होता है। अब हम देखते हैं परमाणु इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, परमाणुओं को उत्पन्न नहीं किया जा सकता स्टूडेंट, पर अणु को उत्पन्न किया जा सकता है। तो अणु को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, क्योंकि अणु का निर्माण परमाणुओं से ही होता है। फिर अब हम नेक्स्ट अंतर देखते हैं कि यह जो परमाणु है यह इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। देखा है परमाणु के स्ट्रक्चर में कि परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, पर यह जो अणु होता है यह परमाणुओं से मिलकर बना होता है, मतलब दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु का निर्माण होता है। तो हमने क्या क्या अंतर देखा, सबसे पहले परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हमने देखा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व का सूक्ष्मतम कण है, और हमने देखा अणु यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अंतर हमने देखा परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, पर अणु को हम विभाजित कर सकते हैं। हमने देखा परमाणु को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, पर अणु को उत्पन्न किया जा सकता है। और हमने देखा परमाणु कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो अणु है वो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक, थैंक यू।